भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके साथ छल किया गया है तो आप चिंता नहीं करें, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अगर आप सभी मिलकर किसी की बुराई करते हैं तो आप यह सोचिए कि अगर आप वहाँ से चले जाते हैं तो आपकी भी बुराई होती है। जो कार्य शांत भाव से होता है वो क्रोध करने के बाद नहीं होता है, इसलिए हमेशा किसी कार्य को संपन्न करने के लिए शांत भाव से करें। अगर कोई व्यक्ति आपका काम बिगाड़ता है तो उसे समझाकर उस कार्य को करवाएं और यह देखें कि किस तरह से आपका कार्य सही होता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश की है तो उस व्यक्ति को यह अपनी भूल सुधारकर उनके वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुधर सके, क्योंकि गलती तो इंसान से होती है और अगर वह अपनी भूल को स्वीकार कर ले तो किसी भी प्रकार की उन्हें जीवन में तकलीफ नहीं होगी, और अगर वो भूल सुधार नहीं करते हैं तो वो दंड के पात्र होते हैं, क्योंकि देर है अंधेर नहीं, यह सदियों से चलता आ रहा है और आपको इसी जन्म में उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को समझकर अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें। अगर कहीं भी अन्याय होता है तो वहाँ आपको अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए और उसे उस कार्य को संपन्न करने में अपने आप को वहाँ पर इस तरह से स्थापित करें जिससे अन्याय करने वालों को समझ में बात आए और वो व्यक्ति अपनी भूल सुधारे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सही कहा है कि जीवन इतना परेशानी से भरा हुआ है कि लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप हमेशा कोई भी कार्य सोच समझ कर करें, क्यों जिंदगी में बहुत ऐसी परेशानी सामने है और इस तरह का रहस्य है कि जिंदगी को समझना काफ़ी मुश्किल है। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे लोगों में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचें और लोग अपने आप को सुधारें। धन्यवाद।